हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे, विच इज पार्ट ऑफ एन अकेडमी। अब दोस्तों स्वागत है आपका फटाफट इंग्लिश के शो के अंदर। वंस अगेन कुछ जबरदस्त आप लोगों के सामने क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, और वंस अगेन आप लोगों के सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन में लेके आया हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि ना केवल इसमें आपको He reads dash that are dash to his profession, है ना। तो इसकी खासियत यह है कि ना केवल इसके अंदर आपको क्या सीखने को मिलेगा, ना केवल इसमें राइट वर्ड्स के यूजेस सीखने को मिलते हैं, बल्कि आप ऐसी गलतियां आगे फ्यूचर में किसी भी क्वेश्चंस में एग्जाम में ना करें, ये भी आपको सीखने को मिलता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस शो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, और हर बार रेगुलर आकर इस शो को देखा करो, इसमें कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ही रीड्स डैश दैट आर डैश टू हिज प्रोफेशन, है ना। चार ऑप्शन है। अब देखो बच्चों क्या होता है बेसिकली, जब आपके पास में दो फिलर के ऑप्शन आते हैं ना, तो हो सकता है वहां पे एक पर्टिकुलर वर्ड जो है वहां पे आपको सही लग रहा हो ना, लेकिन आपको पेयर को मैच करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि बेसिकली दोनों क्योंकि ये पूरा सेंटेंस है, और इस पूरे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में दोनों ऑप्शन जो है वो परफेक्टली एक बहुत अच्छे से जो है मैच होने चाहिए, आप उसी ऑप्शन को चूज करेंगे ना। कई बार हो सकता है कि एक ऑप्शन जो है वो वहां पर सबसे ज्यादा सूटेबल हो, आपको एकदम परफेक्ट लग रहा हो, लेकिन दूसरे ऑप्शन के साथ में उसका जोड़ा फिट नहीं बैठ रहा, उसकी वजह से उसका जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो बिगड़ गया, खराब हो गया। ऐसा कई बार हो जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ऐसे क्वेश्चन को देखने फटाफट से आपको ये सही लग रहा है फटाफट से वो कर दिया ना। अब जब ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो बहुत सारे बच्चे जो है इस वाले ऑप्शन को चूज करते हैं, पेपर्स वाले को, है ना, है ना। ही रीड्स पेपर्स दैट आर डैश टू हिज प्रोफेशन, ठीक है। कई बच्चे जो है पेपर्स वाले को कहते हैं अपारेंट, तो अपारेंट का मतलब क्लियर होता है सब, आपके अपारेंट का कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है यहाँ पे। तो पहली बात, पेपर्स का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे तो वैसे भी पेपर्स का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, अगर मान लो न्यूज़पेपर दिया होता, देखो पेपर और न्यूज़पेपर में रात दिन का डिफरेंस है, पेपर खाली कागज होता है, पेपर्स आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, न्यूज़पेपर जो होता है वो आपके अखबार होता है। तो ये सारे शब्दों का अंग्रेजी में अपने मन से नहीं चलते, हिंदी में बोलते हैं पेपर पढ़ लिया, पेपर पढ़ लिया। अंग्रेजी में भाई अलग चीज होती है, कहानी अलग होती है ना। तो अंग्रेजी में अलग चीज होती है, हिंदी में अलग चीज होती है, इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहां पे ध्यान से देखो कि पेपर से यहां पे नहीं आएगा, इसका मतलब डॉक्यूमेंट्स होता है, अपारेंट का मतलब वैसे भी क्लियर होता है, तो ये ऑप्शन तो आपके वैसे ही कैंसिल हो गया, है ना। दोनों ऑप्शन को हमें लेके चलना पड़ेगा, है ना। अच्छा, उसके बाद में ही रीड्स मैगजीन्स दैट आर एक्सेप्टेबल टू हिज प्रोफेशन, है ना। यार वो मैगजीन वो पढ़ता है जो उसके प्रोफेशन के लिए एक्सेप्टेबल है, अरे स्वीकार करने का कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है यार यहाँ पे, है वो मैगजीन्स पढ़ता जो उसके प्रोफेशन के लिए एक्सेप्टेबल है। चलो अच्छा, मैं एक चीज आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। देखो वीकली होती है आपके साप्ताहिक मैगजीन्स, ऐसी कोई भी मैगजीन होगी या ऐसी भी कोई भी बुक होगी जो सप्ताह में आती है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है बेसिकली किसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं सब आपके वीकलीज का, है ना। तो वीकलीज का मतलब आपके वीक में वीकली आने वाली मैगजीन होती है, तो ये सही है ना, नाउन के रूप में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, प्लूरल इसका वीकलीज होता है, ठीक है। तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, तुम्हें सही है, मैं समझ लेना गलत हो, ठीक है। पेरियोडिकल्स जो होते हैं वो भी आपके मैगजीन्स होती है, जो कि चूंकि ये देखो वीक में आने वाली वीकलीज थोड़े थोड़े अंतराल में पीरियड में हर थोड़े थोड़े पीरियड में आने वाली पीरियोडिकल्स कहलाती है, तो ये भी मैगजीन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी मैगजीन को रिप्रेजेंट करता है, और ये तो मैगजीन वर्ड खुद इन्होंने लिख ही रखा है ना। और फिर आपको ये भी देखना है कि प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसके बाद में ये आर आ रहा है, तो ये आर जो है वो बेसिकली प्लूरल के लिए आएगा। तो मैगजीन्स भी प्लूरल है, पीरियोडिकल्स भी प्लूरल है, वीकलीज भी प्लूरल है। तो कहने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर तीनों ऑप्शन फिट बैठ रहे हैं, वीकलीज भी फिट बैठ रहा है, पीरियोडिकल्स भी फिट बैठ रहा है, और मैगजीन्स भी फिट बैठ रहा है। क्यों बैठ रहा है आप लोगों को समझ आएगा, इसलिए बैठ रहा है फिट। देखो मैंने इस ऑप्शन को कैंसिल कर दिया, बाकी के बच्चे तीन ऑप्शन है ना, तो भाई वो मैगजीन, इसका मतलब भी मैगजीन होता है, इसका मतलब भी मैगजीन होता है, यहाँ पे तो मैगजीन लिखी रखा है ना। वीकली सप्ताह में एक बार आने वाली मैगजीन साप्ताहिक मैगजीन होगी, पीरियोडिकल्स थोड़े थोड़े इंटरवल में आने वाली मैगजीन होगी, ठीक है। तो उसके प्रोफेशन से रिलेटेड कोई मैगजीन के बारे में बात हो रही है, और वो मैगजीन साप्ताहिक भी हो सकती है, थोड़े थोड़े पीरियड इंटरवल के बाद में भी हो सकती है, केवल सीधा साप्ताहिक और ना होकर के कोई मंथली मैगजीन भी हो सकती है, कोई मैगजीन हो सकती है, है ना। तो पहले वाले में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और ये भी आ सकता है। अब मैटर पता है क्या करता है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो दूसरा ऑप्शन है ना, अप्रोप्रिएट पर्टिनेंट और एक्सेप्टेबल, है ना, इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा बेस्ट जो है, सबसे अच्छा जो कॉन्टेक्स्ट को कॉन्टेक्स्ट जो होगा इस सेंटेंस में फिट बैठने वाला जो ऑप्शन होगा वो हमें चूज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब सुनो, एक्सेप्टेबल इतना अच्छा कॉन्टेक्स्ट नहीं है ना, तो सबसे पहले मैं इसे रिजेक्ट करूंगा, राइट।
ये भाई पहला तो सब में आ सकता है, एक्सेप्टेबल उतना अच्छा एक्सेप्टेबल नहीं आना, एक्सेप्टेबल का यहाँ पे वो सेंस ये है कि जो उसके प्रोफेशन में जो उसके लिए सही है ना, जो उसके प्रोफेशन से रिलेटेड है उन मैगजीन्स को पढ़ता है। अप्रोप्रिएट का मतलब बच्चों होता है सब आपके, अप्रोप्रिएट बहुत ही कॉमन वर्ड है और आप सब लोगों को पता है कि अगर कोई चीज पर्टिकुलर सिचुएशन में सूटेबल हो तो उसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड का प्रयोग करते हैं ना। अब मैं आप लोगों के सामने दो ऑप्शन देता हूं, पर्टिनेंट वर्ड का मतलब होता है रिलेटेड, ठीक है। अब आप बताओ कि इस दूसरे फिलर में रिलेटेड वर्ड आएगा या अप्रोप्रिएट आएगा। अप्रोप्रिएट का राइट मीनिंग देखना भाई, अप्रोप्रिएट का राइट मीनिंग होता है मतलब जो बिल्कुल जो अपन अप्रोप्रिएट उचित के कॉन्टेक्स्ट में हिंदी में इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन जो आप जो अंग्रेजी जो है वो अंग्रेजी के हिसाब से चलती है। तो इंग्लिश में इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, जो कि आपके सूटेबल हो किसी पर्टिकुलर परिस्थिति में, अगर कोई चीज सूटेबल हो करेक्ट हो राइट हो तो अप्रोप्रिएट वर्ड आता है। तो यहां भी किसी भी पर्टिकुलर परिस्थिति में सूटेबल करेक्ट होने का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, यहां पर बात सीधी सी हो रही है कि वो ऐसी मैगजीन्स पढ़ता है जो उसके प्रोफेशन से रिलेटेड होती है। तो यहां पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना सेकंड वाला, वो पर्टिनेंट होगा जिसका मतलब होता है रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर ए भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल हो गया, डी भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है, पर्टिनेंट एंड पीरियोडिकल्स, पीरियोडिकल्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है ना। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा दिमाग रखोगे तो इन्हें सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो भाई है ना, अब ये देख लो भाई हमारा प्लस कोर्स जो है अन अकेडमी प्लस पे हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे बैंक की तैयारी करो, चाहे सीए की करो, चाहे एसएससी की करो, चाहे कैट की करो, किसी की भी तैयारी करो, आप अपना प्लस कोर्स ले सकते हो। कैटेगरी को चूज करना है बस आपको अपनी को, गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद में जो भी मॉड्यूल हो 1, 2, 3, 6, 12 महीने है ना, बैंक का जनरली 3 महीने का लेते हैं, एसएससी का 6 महीने साल भर का लेते हैं, कोई भी चूज किया, जैसे मान लो एसएससी का 12 महीने का चूज किया ना, तो कितने का है ये 6000 रुपए का है। रेफरल कोड हर्ष 11 लगाना, जैसे हर्ष 11 रेफरल कोड लगाओगे इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो 6000 से 5400 रुपए आ गया, यहाँ पे रेफरल कोड अप्लाइड लिखा हुआ जाएगा, यानी हर्ष 11 आपने लगाया, रेफरल कोड अप्लाई हो गया, अब आपको डिस्काउंट मिल गया। फिर उसके बाद क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग और यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम है, ठीक है, इससे ज्वाइन कर सकते हैं आप टेलीग्राम को, और ये मेरा फेसबुक है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो टेलीग्राम और फेसबुक पे अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ, ज्वाइन करो, वो कैब की वीडियो वगैरह आते रहते हैं, ज्वाइन करो ना। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।